हमारे कम लोग जो देवघर की यात्रा पर जाते हैं, बाबाधाम की यात्रा पर जाते हैं, उनके लिए शरबत नींबू पानी आलू की व्यवस्था की गई है। और साथ ही डॉक्टर विष्णु श्वेता जिनका की एंजल मैटरनिटी हॉस्पिटल चलता है, उनके माध्यम से चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है। उसका उद्देश्य है कि जो भी कांवरिया किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं, इस चिकित्सा शिविर में अपना इलाज करा सकते हैं और यहाँ से दवा भी मुफ्त मिलता है। साथ ही जागृति पैथो केयर के द्वारा जांच शिविर भी लगाया गया है। तो हमारा प्राइवेट शिक्षक संगठन का मकसद होता है, एक शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, समाज को एक नई दिशा देना होता है, एक नई सोच की ओर समाज को ले जाना होता है। तो प्राइवेट शिक्षक संगठन जो है साल में इस तरह के कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जो समाज सेवा और धर्म से जुड़ा हुआ हो, धार्मिक और सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हो। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेशन परिसर पर जितने भी हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, उनका भी इसमें काफी सहयोग प्राप्त हो रहा है। और साथ ही साथ जितने भी सीआरपी के सभी पदाधिकारी या पुलिस बल के लोग हैं, उनका भी काफी सहयोग हमें प्राप्त है। और इस संगठन के जितने भी शिक्षक हैं, उनका भी भरपूर सहयोग सभी कार्यक्रमों में मिलता है। और हमारा ये तृतीय रविवार है, चौथे रविवार को इसी तरह से चिकित्सा शिविर सेवा शिविर चलेगा। और साथ ही एक विशाल दरिद्र नारायण भोज का भी आयोजन ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से लगातार चलते आ रहा है। और भगवान भोलेनाथ का जो पूजा का जो पावन महीना सावन है, उस सावन के पवित्र महीने में और हमारा इस संगठन ने ऐसा निर्णय लिया है और सफलतापूर्वक चल रहा है। तो भोलेनाथ को हम लोग स्मरण करते हैं और याद करते हैं। कचा कभी गलत ज्वाला प्रवाह पावी तरफ चले, गले में लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका, जमन 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 विराज जम बढ़ गया, कटा निचंड कांड बम तिलोती का सुबास बम, कटा कटा संभ्रम भ्रम निरोप निर्जरी, विलोल मिति मिल रही विराज माने मुझरी, जगत 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 जलल लाट के पट्ट पाव के और इस सफल ट्रिप और ये जो सफलता पूर्वक ये हमारा ये जो ट्रिप चल रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। और आप उनमें से है ना बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं और कई हमारे भाई लोगों में उपस्थित हैं। बोलबम हमारे संस्कृति संस्कार और इसलिए
जी से हम लोग पहुंचे हुए श्री महादेव जी के पास। आज हमारे संगठन के बड़े सदस्य हमारे बड़े भाई को लिए अध्यक्ष महोदय श्रीमान अध्यक्ष बड़े भाई को लिए बड़े शिक्षक धन्यवाद एवं तमाम नवादा जिले के कोचिंग संचालक जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय महादेव की कृपा से दिया ताकि समाज को एक नया आयाम दिया। बाकी बातें हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान कपूर ने बताया, अध्यक्ष और प्रवक्ता भारद्वाज ने बताया कि हमारा संगठन एक कोचिंग का संगठन है और हम लोग निरंतर समाज अक्षत लेते हैं। एक बड़ा पावन सावन का महीना आता है जब हमको एक सौभाग्य मिलता है समाज को निगरानी कर एक छोटी छटा मात्र से हम लोग सेवा करने का प्रयास करते हैं। ये सोच कर सकते सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा करने के छोटा सा प्रयास होता है। इसमें सेवा के तहत हम लोगों ने कोशिश किया है कि आम जनों के लिए जो भी लोग परिसर में उपलब्ध होते हैं उनके लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप स्टेशन परिसर में कोई भी व्यक्ति प्यासा है तो वो आकर के आए और जिलास से जल ग्रहण करे या समाज में उसको देखते हैं समाज हमको देखता है कि हम समाज को क्या देना चाहते हैं समाज से क्या लेना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसको देखें कि मार्केट में कई दुकानें होती और जो दुकान होते हैं जब भी चलना करता है मैं थोड़ा ताजू में रहता हूँ कि बंदी होती है या कुछ भी होता है उसका पूरा दिनाकर वहां पे पड़ता है और हम लोग हर वक्त समाज लेते हैं। हम चाहे किसी बात से हूँ व्यवसायी वर्ग से हूँ या मजदूर वर्ग से हूँ समाज हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देता ही देता है और हम लोग समाज को क्या देते हैं। तो में महादेव की कृपा है प्रेरणा है कि हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं कर रहे हैं नहीं कर हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं उसमें महादेव की असीम कृपा छुपी है। और मैं चाहूंगा कि ये हर वर्ग समाज का जो हर वर्ग है चाहे वो व्यवसायिक वर्ग है शैक्षणिक हमने देखा है कई जगह कि लोग भले में पानी लेकर के कहीं रुकती है और टूटता है तो वहां लोग पानी लेकर दौड़ जाते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर पाए तो इसके लिए मैं और आपने सारे वरिष्ठ और न्यूनतम जो सदस्य हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के लिए मैं भोलेनाथ की कृपा से एक बार चाहूंगा कि जोर से जयकारा लग जाए हर हर महादेव। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष बड़े भाई तुल्य हमारे मार्गदर्शक आज एक और मैं बात करना चाहता हूँ। आज नवादा में कई संगठन है कई राजनीतिक पार्टियां होंगी सभी लोग अपने स्तर से बात करते हैं। हमारा छोटा सा संगठन है जिसमें लगभग 100-150 लोग से बात करते हैं लेकिन उसके मार्गदर्शक इंजन के रूप में महादेव ने मुकेश कपूर नाम के व्यक्ति को भेजा है। मैं चाहूंगा इसलिए तालियां हो मैं ये घोषणा करता हूँ बतौर सचिव केंद्र सिंह की नितेश कपूर से आग्रह है कि इस महादेव सावन के पवित्र महीने में अपने छोटी सी कविता रख करके भक्त जन उपस्थित है श्रद्धालु उपस्थित है उनको अनुग्रहित किया जाए। माननीय जो नवादा के लिए और नवादा के तमाम साहित्य प्रेमियों के लिए तो इस कदर निशान अपने और पराये का क्यों भेद लिए बैठे हो अपने और पराये का क्यों भेद लिए बैठे हो। जन्नत तो मिलता है मानवता के घर में कावड़ियों का सेवा तो बस एक बहाना है कावड़ियों का सेवा तो बस एक बहाना है। बाबा बोले तो इस तरह से ही बाबा बोले तो इस तरह से ही है। आप दर्शन से वहाँ भले खुश होंगे आप दर्शन से भले वहाँ जाकर खुश होंगे पर आपसे ज्यादा बोले का माना कि मेरे हाथ में कावर नहीं यह माना कि मेरे हाथ में कावर नहीं श्रद्धा मन में है पर पैरों में महावर नहीं। कावरियों के सेवा में ही भोले को दर्द होगा कावरियों की सेवा में ही भोले का दर्द होगा वो सरगना सर पर हाथ है देता सेवा हर Thank you.
आ जाए।